Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप किस तरीके से किसी के भी प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी को देख सकते हैं और उसको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने उसकी स्टोरी को देख लिया। और फ्रेंड्स इसी तरह से हम किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी भी अकाउंट की जो स्टोरी है उसे देख सकते हैं, बट उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, किसी के भी अकाउंट प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी डाउनलोड करना और एक किसी की भी स्टोरी डाउनलोड करना, बस उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। और उन्हें फ्रेंड्स पता भी नहीं लगेगा कब आपकी आपने उनकी स्टोरी देख ली और डाउनलोड भी कर लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम को ओपन किया और ये जो रोहिणी 7670 अकाउंट है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है। मैंने एक फेक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को बनाने के लिए। तो यह है प्राइवेट अकाउंट है और मैंने इसके ऊपर एक ये स्टोरी भी पब्लिश कर रखी है, तो आप इस स्टोरी को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मेरे सेकंड अकाउंट से इस स्टोरी को देखूंगा, डाउनलोड भी करूंगा और इसके अंदर इस प्राइवेट अकाउंट के अंदर रोहिणी वाले अकाउंट में पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कब इस अकाउंट की स्टोरी देख ली और उसे डाउनलोड भी कर लिया। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका एक जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी की प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी को डाउनलोड करोगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको उस अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट को फॉलो करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह जरूरी है। अगर आप यह देखो कि आप बिना उसे फॉलो करे बिना उसकी स्टोरी डाउनलोड कर लोगे तो यह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जो मेरा गुरुजी ज्ञान वाला अकाउंट है, यह मेरा सेकंड अकाउंट है। इस अकाउंट से मैंने रोहिणी वाले अकाउंट को फॉलो कर रखा है और फ्रेंड्स फॉलो करने के बाद इस अकाउंट के अंदर मैंने अब तक इस अकाउंट की स्टोरी को यहाँ पर नहीं देखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने अब तक इसकी स्टोरी को नहीं देखा है और मैं वापस रोहिणी वाले अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि रोहिणी वाले अकाउंट के अंदर जो मैंने स्टोरी अपलोड कर रखी है उस स्टोरी के अब तक 0 व्यू है, यानी कि उस स्टोरी को अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब हम यहाँ पे एक ऐप है फ्रेंड्स स्टोरी असिस्टेंट, हमें यह ऐप डाउनलोड करना है और इस ऐप को हम यहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ऐप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें साइन इन विथ इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम हमारे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने दो नाम आ रहे हैं, एक बंटी सोनी और एक जो रोहिणी है। फ्रेंड्स दोनों में जो स्टोरी है भी दोनों अकाउंट पे स्टोरी है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों अकाउंट शो रहे हैं और जो रोहिणी वाला अकाउंट है वह प्राइवेट अकाउंट है। और ये मैं इसके ऊपर क्लिक करा और ये इसकी स्टोरी यहाँ पे आ गई। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे इसकी स्टोरी को भी देखा और अब इस स्टोरी को जो नीचे डाउनलोड बटन है उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड भी कर लिया। आप देख सकते हैं स्टोरी डाउनलोड हो गई। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करके बताता हूँ रोहिणी वाले अकाउंट में, कि रोहिणी वाले अकाउंट में हमें पता चला कि नीचे लगा किसने हमारी स्टोरी को देखा। तो ये मैंने रोहिणी वाले अकाउंट को ओपन किया और ओपन करने के बाद ये मैंने इसकी स्टोरी को चेक किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी तक इस स्टोरी के अंदर यहाँ पे 0 व्यू आ रहे हैं, यानी कि इनके मुताबिक अभी तक इस स्टोरी को किसी ने भी नहीं देखा है। बट फ्रेंड्स मैंने उस ऐप के जरिए इस स्टोरी को देख भी लिया और डाउनलोड भी कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्राइवेट अकाउंट की स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको प्राइवेट अकाउंट को या तो अपने फेक अकाउंट से आप एक फेक अकाउंट बना के उसे फॉलो कर लो या फिर किसी अदर तरीके से उस अकाउंट को आपको अपने ओरिजिनल अकाउंट से फॉलो करके उसकी स्टोरी आप उसको पता भी नहीं लगेगा और आप उसकी स्टोरी देख भी लोगे डाउनलोड भी कर लोगे। फ्रेंड्स आपको मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि आप किस तरीके से इंस्टाग्राम पे किसी भी अकाउंट की स्टोरी को डाउनलोड कर लीजिए, बट वो अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर अब बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी यह अकाउंट है रोहिणी वाला, अभी ये प्राइवेट अकाउंट है, तो मैं इस अकाउंट के सेटिंग में गया, प्राइवेसी में गया और इसे मैं पब्लिक के अंदर कर देता हूँ और ये मैंने इसे पब्लिक में कर दिया। ओके फ्रेंड्स अब पब्लिक में करने के बाद मैं यहाँ पे जो गुरुजी ज्ञान वाला अकाउंट है उसे ओपन करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे जो गुरुजी ज्ञान वाला जो मेरा सेकंड अकाउंट है मैंने उस अकाउंट को ओपन किया और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे रोहिणी 7670 ये मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंटर किया और एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे फॉलो कर रखा और मैं इसे अनफॉलो कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स मैंने मेरे गुरुजी ज्ञान वाले अकाउंट से रोहिणी वाले अकाउंट को अनफॉलो कर दिया, प्लस रोहिणी वाला अकाउंट अभी मैंने उसे पब्लिक में भी कर दिया, यानी कि वो पब्लिक अकाउंट है बट मैं मेरे गुरुजी ज्ञान वाले अकाउंट से उसे फॉलो नहीं करता। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टोरी को भी देख के बताता हूँ कि हम किस तरीके से अदर लोगों की स्टोरी को देख सकते हैं, बट उनका अकाउंट ओनली एक ही शर्त है कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को तो हम यहाँ पे बैक करते हैं और मैं यहाँ पे स्टोरी असिस्टेंट ऐप को वापस ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब ऊपर ओनली एक ही स्टोरी शो हो रही है बंटी सोनी की, जिसे मैं
गुरुजी ज्ञान वाले अकाउंट से फॉलो करता हूँ। अब फ्रेंड्स जो ऊपर सर्च का आइकन है, हम उस सर्च के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रोहिणी वाले अकाउंट का यूज़र नेम डाल के उसे सर्च करूँगा। ये मैंने रोहिणी वाले अकाउंट को सर्च किया और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह रोहिणी वाला अकाउंट यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स अभी यह अकाउंट पब्लिक में अवेलेबल है, इसलिए इसकी स्टोरी यहाँ पे आ गई। फ्रेंड्स अब मैं इसकी स्टोरी को भी डाउनलोड कर लूँगा और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं अभी इंस्टाग्राम में जाके इसे चेक करूँगा तो वहाँ पर भी यह स्टोरी का जो किसने देखी इस स्टोरी को इसका भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम स्टोरी असिस्टेंट ऐप के थ्रू किसी की भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब उनकी स्टोरी को हमने देख लिया, डाउनलोड भी कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स।